100% ईवीएम जब तक रहेगा भारतीय जनता पार्टी तब तक सत्ता में रहेगी, क्योंकि ईवीएम जो है एक इस समय संदेहास्पद स्थिति में है। उसके ऊपर जो उसके मैन फंक्शन के ऊपर, उसके जो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बार मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की, मैंने उनको सबूत दिए कि सर हम एक्टिविस्ट लोग हैं, हमने आरटीआई की, हमने बहुत सारा डेटा अपने पास जमा किया, आप इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाइए, सड़कों पर उतारिए लोगों को, ये जो सबूत हैं, मैं अफवाहें या फिर शंका की बात नहीं कर रहा, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, वो एविडेंसेस को आप जनता तक पहुँचाइए और उसके बाद शायद जनता जागरूक हो के अपने अधिकारियों के लिए सड़क पे आएगी। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल है ना, उनकी करोड़ों की संपत्तियां हैं, काला धन है, जिसकी नस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, वो खुले तौर पे मुझसे ये कहते हैं कि अगर हमने ये बात उठा दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब ये अपोजिशन लीडर सब कुछ जानते हैं, सारा इंडिया अलायंस में जितनी राजनीतिक दल हैं उनको सबको पता है कि ईवीएम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पाते कि हम जैसे ही बोलेंगे तो हमारी जो काले धन से बनाई हुई जो साम्राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी तबाह कर देगी। तो ये जहाँ तक ये ईवीएम का मामला है वो चलता रहेगा, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि कोई भी विपक्षी दल पूरे इंडिया के अंदर भाजपा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रही है। मोदी बोल रहे हैं, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक भव्य जश्न मनाया जाएगा, जगह जगह बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग शोभा यात्राएं निकालेंगे, मस्जिदों के सामने से गुजारेंगे और खुद ही पत्थर चलाकर उस यात्राओं पर अपने ही लोगों से पत्थर चलवाकर मुसलमानों के ऊपर उसका आरोप मढ़कर मुसलमानों के साथ उनके घरों को जलाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, हत्याएं करेंगे। तो ये जो 3 महीने हमारे पास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये बहुत ही क्रूशल है इस भारत के लिए। इस समय जो तबाही और जो दंगे और जो लाशें आप सड़कों पे खून बहता देखेंगे वो आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, बीजेपी के जो वोट बैंक है वो ब्राह्मण, राजपूत और तमाम जो हिंदुत्ववादी चेहरे हैं, लोग हैं जिनके अंदर ये जहर फैल चुका है कि प्रभु श्री राम और हिंदुत्व का नाम लेकर मतलब भाजपा का नाम होता है, वो लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करते हैं। मेरा ये कहना है, व्यक्तिगत तौर पर मैं पूरा देश घूमता हूँ, अगर दलित और मुसलमान लोग एक दूसरे का हाथ थाम ले, आदिवासी एक दूसरे का हाथ थाम ले, तो किसी ब्राह्मण, राजपूत और किसी की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। सोचिए, एक 3% वाला सवर्ण समाज आज देश में बहुमत की सत्ता लेके बैठा हुआ है और जो उन्हें वोट देता है वो दलित और मुसलमान रस्तों पे मार खा रहा है, उनके घरों में लाशें निकल रही हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है। अगर वो अपने अधिकारों को लेके कुछ मांग सरकार से करे तो उनको तोड़ा जाता है, जेलों में ठूस दिया जाता है। तो एक मेरी तरफ से ये प्रयास है कि आप बाकी सवर्ण जातियों को छोड़ दीजिए, केवल आदिवासी, मुसलमान और जो जो अपने दलित समाज है, एससी एसटी है, उसको अगर आपने सिर्फ कैप्चर कर लिया तो चीज़ें अपने आप से हम विधान भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं 2024 में। कुछ हिंदुत्ववाद आदमी को देखा, मुस्लिम का गैर बल्द हुए, क्या जी जी कुछ हिंदुत्ववाद लोग जो मुस्लिम से गैर उबलने के लिए हम लोग देखा सोशल मीडिया मीडिया में। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है सर, उनका काम 2024 के बाद यही है कि लगातार आप जहर उगलिए, मुसलमानों को टारगेट करिए, ताकि हिंदुओं के अंदर ये बताया जाए कि देखिए हम मुसलमानों का नस्टाइट कर रहे हैं। और ये चीज़ें इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि उनको ये बताना है, हिंदुओं में एक ऐसा संख्या है, जनसंख्या है, जिनको मुसलमानों को बचपन से ही नफरत सिखाई जाती है, उनके खिलाफ बताई जाती है, तो उसी को कंफर्म करने के लिए ये सारा प्रोपोगेंडा किया जाता है और उसका असर जो है वो चुनाव पे दिखता है। कुछ दिन से आवाज़ सुन रहे हैं हम लोग, जो ईवीएम जब तक रहेगा भाजपा तब तक रहेगा, 100% ईवीएम जब तक रहेगा भारतीय जनता पार्टी तब तक सत्ता में रहेगी, क्योंकि ईवीएम जो है एक इस समय संदेहास्पद स्थिति में है। उसके ऊपर जो उसके मैन फंक्शन के ऊपर, उसके जो माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बार मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात की, मैंने उनको सबूत दिए कि सर हम एक्टिविस्ट लोग हैं, हमने आरटीआई की, हमने बहुत सारा डेटा अपने पास जमा किया, आप इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाइए, सड़कों पर उतारिए लोगों को, ये जो सबूत हैं, मैं अफवाहें या फिर शंका की बात नहीं कर रहा, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, वो एविडेंसेस को आप जनता तक पहुँचाइए और उसके बाद शायद जनता जागरूक हो के अपने अधिकारियों के लिए सड़क पे आएगी। लेकिन तमाम जो विपक्षी दल है ना, उनकी करोड़ों की संपत्तियां हैं, काला धन है, जिसकी नस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, वो खुले तौर पे मुझसे ये कहते हैं कि अगर हमने ये बात उठा दिया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मतलब ये अपोजिशन लीडर सब कुछ जानते हैं, सारा इंडिया अलायंस में जितनी राजनीतिक दल हैं उनको सबको पता है कि ईवीएम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो इसलिए नहीं बोल पाते कि हम जैसे ही बोलेंगे तो हमारी जो काले धन से बनाई हुई जो साम्राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी तबाह कर देगी। तो ये जहाँ तक ये ईवीएम का मामला है वो चलता रहेगा, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि कोई भी विपक्षी दल
पूरे इंडिया के अंदर भाजपा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रही है। मोदी बोल रहे हैं इंडिया जो हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाह रहे हैं, क्या चीज मोदी बोल रहे हैं हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाह रहे हैं इंडिया जो? नहीं ऐसा नहीं, देखिए बोलने के लिए तो अभी बहुत सारी चीजें सुनने में आएगी। अभी जो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है उससे पहले जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। अभी आपको मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ये भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं, आप समय के साथ उसको बर्दाश्त करेंगे देखेंगे। बार बार जैसे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक भव्य जश्न मनाया जाएगा, जगह जगह बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग शोभा यात्राएं निकालेंगे, मस्जिदों के सामने से गुजारेंगे और खुद ही पत्थर चलाकर उस यात्राओं पर अपने ही लोगों से पत्थर चलवाकर मुसलमानों के ऊपर उसका आरोप मढ़कर मुसलमानों के साथ उनके घरों को जलाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे, हत्याएं करेंगे। तो ये जो 3 महीने हमारे पास है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये बहुत ही क्रूशल है इस भारत के लिए। इस समय जो तबाही और जो दंगे और जो लाशें आप सड़कों पे खून बहता देखेंगे वो आपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूँ। आम आदमी का टैक्स का पैसा लेकर के मंदिर मस्जिद बनाना, ना स्कूल बनाना, ना हॉस्पिटल बनाना, मंदिर मस्जिद बनाना, आप किस तरह देखते हैं? देखिए आपने वोट तो मंदिर बनाने के लिए ही दिया था, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने 2019 का चुनाव इसी के लिए लड़ा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे। जब राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुमत हासिल किया तो राम मंदिर ही बनाएंगे। जब मैं वोट देने मेरे विधायक मेरे पास आएगा तो मैं उसको पूछूंगा मेरी सड़कें कब बनेंगी, मेरी शिक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, मेरे बच्चों के लिए अस्पताल कहाँ बनेगा। जब वो सवाल ही खत्म हो गए तो जो आपने उनको मैंडेट दिया वो करेंगे ही। उनको राम मंदिर बनाने के लिए आपने बहुमत दिया तो राम मंदिर बना रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो भले टैक्स के पैसे से, वो जो इंसान टैक्स के पैसे से 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद सकता है वो 5,000 करोड़ का राम मंदिर क्यों नहीं बना सकता है? असम में एनआरसी हुआ, कुछ आदमी जो लीगल है वो बाहर चले गया, जो लीगल नहीं है वो अंदर आया। अब भाजपा की सरकार और भाजपा के आदमी ने कह रहा है कि सारा इंडिया में अब एनआरसी लागू करना चाहिए। देखिए जब चुनाव आता है उनका झुंझुना चालू होता है, 2018 में भी सीएनआरसी को लेकर उन्होंने शुरुआत किया, बिल पास किया, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही है। जब चुनाव आता है तो मुसलमानों को नस्टाइट करना और हिंदुओं को खुश करने के लिए कि जितने भी मुसलमान हैं उनको हम देश के बाहर निकाल देंगे, जबरदस्ती जेलों में ठूस देंगे, उनके बाप का राज नहीं है, संविधान से चलता है देश। अभी हम संयम से बैठे हुए हैं कि हमारे लोगों पर आंच नहीं आनी चाहिए। आप संसद भवन में एक दूसरे को गाली दे दीजिए, आपस में पटक के एक दूसरे को माँ बहन कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नेता लोग हैं, आप करेंगे ही, सुबह लड़ाई करते हैं शाम को। मैंने जैसे अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा था कि अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ के बाप को लेकर झगड़ा चल रहा था कि तुम अपने बाप की अर्थी उठाने नहीं गए, तो अखिलेश यादव ने भी, योगी जी ने भी कह दिया कि तुम कौन से अपने बाप के सगे हो। और ठीक उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष ने अपने घर में रात्रि भोज रखा और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों एक ही टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये राजनीतिक लोग हैं सर, इनकी बातों में अगर आप आएंगे तो आप इसी तरह से भटकते रहेंगे। भाजपा के उपदेष्टा विवेक टिकरवाल ने जी कहा है कि संविधान को चेंज करना चाहिए, कर सकते हैं। देखिए उनके पास बहुमत है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकल विधानसभा, उसके बाद कानूनी पूरा अमित शाह के पास है, पुलिस प्रशासन, सीआरबीसी है, सब उनके पास है। लीगल में भी अधिकतर जो जज हैं उनको फेवर करते हैं। आप नॉर्मल हत्या करके चले जाइए, किसी की मॉब लिंचिंग, आपको तुरंत जमीन मिल जाएगा, जमानत मिल जाएगी। और एक मुसलमान ने अगर एक ट्वीट कर दिया भाषा की कहना, उसको तो यूएपीए लग जाता है। तो कोर्ट में भी तो उनके लोग बैठे हैं, उस तरह के मानसिक पीड़ित लोग बैठे हुए हैं, तो उनके पास पूरा ताकत है, वो संसाधन उन्होंने हासिल कर लिया है कि अगर वो आज संविधान बदलना चाहें तो बेशक वो बदल सकते हैं। रंजय गोगोन जी ने राम मंदिर का राय दिया, उसका बाद में उनको राज्यसभा के सदस्य पद दिया गया। तो देखिए अब आप हड्डी चूसेंगे उनका तो फायदा तो देगा ही बंदा, उन्होंने उनको फायदा दिया, बीजेपी ने उनको फायदा दिया। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের মূল্যবান কমেন্ট অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে করবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজকে লাইক করবেন, ফলো করবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন সঠিক খবর পাওয়ার জন্য।